नमस्कार मित्रों, साइंस के एनालिसिस के अनुसार किसी में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन आजकल ज्यादातर लोग कंपेयरिंग करना चालू कर देते हैं। पर वो उस इंसान की कामयाबी के पीछे उसके स्ट्रगल, उसके एफर्ट, उसके मेहनत को नहीं देखते, बस उसकी अचीवमेंट, मनी, हाउस, कार, ये सब देखने में नजर आता है। तो दोस्तों, इस कंपैरिजन से आपकी लाइफ पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए इस प्रभाव को जानते हैं। साइंस की रिसर्च में पाया गया कि जब आप किसी से कंपेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे आपकी मॉरल वैल्यू डाउन हो जाती है। मींस आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना हमारे अंदर, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। जो कुछ कर दिखाने का जो जुनून होता है, एक इनोवेशन होती है, थिंकिंग होती है ना, वो सब बिल्कुल खत्म हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो। फिर आपको जो सिचुएशन फेस करनी पड़ती है इस कंपैरिजन की वजह से, घर वालों का प्रेशर, बाहर वालों का प्रेशर, फिर खुद की बॉडी का प्रेशर, इतना प्रेशर होने पर कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जो बचे कुचे होते हैं वो अपने लाइफ से समझौता कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और अपने ब्रेन को सोचने लायक रहने नहीं देते। फिर सोचते हैं शायद अगर मैं ये काम कर लेता तो शायद ये हो जाता, अगर हमने उस टाइम मेहनत कर ली होती तो आज हमें ये दिन देखने नहीं होते। बट सिर्फ सोचते ही हैं, पर आपने एफर्ट और अपनी थिंकिंग पर जोर नहीं देते। इस कंपैरिजन से आपने अपनी खुशियों को, अपनी जिंदगी के कामों को बस उसके जैसा करने की कोशिश करी है। कभी अपने अंदर की इनोवेशन को बाहर लाने की कभी इच्छा ही नहीं करी, अपनी स्किल्स को तवज्जो नहीं दिया, बस उसके जैसे बनने की कोशिश करते रहे। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप भी किसी के जैसा बनने की सोच रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं, तो इसे अभी ही बंद कर दे, स्टॉप कर दे, क्योंकि यू आर अ यूनिक, नो मोर इज लाइक यू, आपके जैसा कोई नहीं है। अगर आपने भी साइंस पढ़ी होगी तो आप भी कभी गौर करिए, आपकी बॉडी का कंपैरिजन और दूसरे की बॉडी का कंपैरिजन, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस नज़र आते हैं। तो ऐसे ही हमारी स्किल्स और दूसरे की स्किल्स में बहुत सारे अंतर नज़र आते हैं। तो अपने स्किल्स को डेवलप करिए, एफर्ट करिए, और अपनी खूबियों को पहचानिए, और इस पर काम करिए, शायद आप भी कुछ इनोवेटिव कर दिखाएं। और मैं आशा रखता हूँ कि आप भी ये इनोवेटिव काम जरूर करेंगे। हमारे प्रिय मोदी जी का भी यही कहना है कि एक नया स्टार्टअप होने चाहिए, हमारा जो यूथ है उनके अंदर यूनिकनेस होनी चाहिए, और उनके अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई होना चाहिए, लेकिन एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। बस इस पर अगर आप काम करेंगे तो आपकी लाइफ कंपैरिजन से कभी भी नहीं करेगी, और आपको अपनी जिंदगी में कभी समझौता, कभी कंपैरिजन करने की इच्छा ही जाहिर नहीं होगी। अगर आप भी कुछ इनोवेटिव कर दिखाने का जज्बा रखते हैं, तो इस वीडियो को इतना वायरल करें कि आप भी कहें कि हाँ, ये मेरे दोस्त का चैनल है और मैं यहाँ से इंस्पायर हुआ हूँ, और मैं कुछ इनोवेटिव कर दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको अपनी लाइफ का महत्व, अपने काम करने का जरिया और अपनी खूबियाँ पहचानने में आसानी हो गई हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, और मुझे कमेंट कर करके जरूर बताएं कि आपको इस वीडियोस में क्या क्या अच्छा लगा। नमस्कार मित्रों।